और करंट अफेयर्स को पढ़ने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। एक सेकंड, जीके एंड करंट अफेयर्स। देखो जीके एंड करंट अफेयर्स को मैंने इसके फॉर्मेट को तीन जगह डिवाइड किया है, राइट। तीन जगह डिवाइड करने का मेरा मकसद ये था। एक तो होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जानते हैं आप क्या होता है? क्या होता है स्टैटिक जीके? जीके दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पास्ट। हाँ, मतलब जो वैसा का वैसा ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके। उसके बाद आता है करंट। करंट क्या होता है? प्रेजेंट, हाल ही में चल रहा है, एट प्रेजेंट जो चल रहा है, प्रेजेंट और रिसेंट, ठीक है। उसके बाद आएंगे रिसेंट लीगल डेवलपमेंट। मैंने इसको दोबारा इंक्लूड किया है, मैंने इसको उसमें लीगल एप्टीट्यूड में भी इंक्लूड किया था, केवल तुम लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि डेटा इज अ न्यू गोल्ड माइन, राइट। समझ में आई बात? मतलब मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर था, तो मुझे फोन आ गया एक बार कि आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि डेटा था उनके पास कि लक्ष्य कुमार सिंह अनअकैडमी से जुड़ा है, तो मुझे ही सब्सक्राइब। मैंने कहा मैडम मैं एजुकेटर था, बोली सर कोई बात नहीं, ओके चलता है हमारा। मैंने कहा ओके, तो डेटा, सबको डेटा चाहिए। आपके पास मैसेज आते होंगे व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज आते होंगे, राइट। एक दिन लाइक मैं बहुत सीरियसली कुछ कर रहा था, अपने केस की ड्राफ्टिंग कर रहा था, तो एक मैसेज आया। मैंने फोन में अपने क्लाइंट के फोन का वेट कर रहा था, तो फोन में आता, मैंने उठाया, आपके मरने के बाद आपके परिवार का क्या होगा भैया, सुबह सुबह हमारा इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। मैंने उसको लाइक इतने अच्छे तरीके से मैंने उस आदमी से बात की, तो मतलब कहां से मिल रहे हैं ये नंबर, क्योंकि आपका डेटा लीक किया जा रहा है, राइट। अब तुम सब लोग लाइक कैसे पता लग जाता है तुम क्लैट की कोचिंग कर रहे हो? आ जाते हैं ना, तुमने तो फॉर्म ही तो भरा है क्लैट कंसोर्टियम का, और तुम्हारे पास मैसेज आ रहे हैं क्लैट की कोचिंग ले लो, ये ले लो। कहां से आते भैया, कोई टॉपिक घुमा रहा है? मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा डेटा, तुम्हारे ये बिकता है डेटा लाखों में, करोड़ों में, करोड़ों कितने भैया, 10-20 लाख नंबर दे दो हमें, कौन से सेक्शन के चाहिए आपको, कि जो बच्चे क्लैट में अपीयर हो रहे हैं, जिन्होंने क्लैट की इंक्वायरी की है, उनके 20 लाख के नंबर, फोन नंबर भेज दे, कितने में भेज दिए, कि लाइक 10 लाख में दे दिए, 5 लाख में दे दिए, या 2 लाख के दे दिए। तो डेटा इज अ गोल्ड माइन। अब डेटा को लेकर बहुत हंगामा मचा विंटर सेशन में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज को ब्लैंकेट कर दिया, बिल्कुल बाहर कर दिया, ब्लैंकेट बैन दे दिया, कि गवर्नमेंट एजेंसी अगर किसी का डेटा ब्रीच करते हैं तो उनके ऊपर डेटा प्रोटेक्शन बिल में कोई कार्रवाई नहीं होगी, राइट। वैसे ही पेगासस चला हुआ था इसराइल का, वो सॉफ्टवेयर लाइक किस किस की उन्होंने जासूसी करवा डाली, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट में भी चल रहा है, तो आप इसको करंट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये कहकर कि ये लीगल का वो है, कि ये लीगल का टॉपिक है। निकाल सकते हो क्या करंट से बाहर? नहीं निकाल सकते ना, तो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनके ऊपर ध्यान रखना है। अभी मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, पिछली बार का मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था, क्या पैसेज आए थे 2021 में। करना है डिस्कस या आगे चलें? ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है ब्रो, पर चलो कोई नहीं, ओके तुमने कह दिया। हाँ, जीके एंड सीए 2021 सबसे पहला पैसेज आता है इंडिया चाइना एलईसी इशू, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। उनकी सरकार कह देती है हमारे वालों ने पीट दिया, हमारी कहती थी उनके वालों ने पीट दिया, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डेट ऑफ क्लैश, राइट। कुछ सेंसेस बात की, कंसोर्टियम को बहुत लग रही होगी जब उन्होंने, कंसोर्टियम को बहुत लग रही होगी इसकी सेंस जब उन्होंने, मतलब ये है दुखी करने वाला और तंग करने वाला। नहीं बट तुम डेट रट के जाओगे, ईमानदारी से बताओ तुम कितने इवेंट की डेट रट के जाओगे? नहीं, तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है, खाली टाइम है कि तुम डेट रटोगे? यानी कि एक नंबर यहां से गया, रेयर केस है किसी बच्चे ने कर लिया तो ठीक है। उसके बाद प्लेस कहाँ हुआ, ये स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा कि प्लेस कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ। तीसरा क्वेश्चन इसी पैसेज से बनता है, ऑन विच पॉइंट, किस पॉइंट पर हुआ, तो पेट्रोल पॉइंट 14 पर हुआ था, ये भी जायज क्वेश्चन में मान लेता हूं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ एलईसी कितनी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लेंथ कितनी है, ठीक है। मतलब जो या तो पढ़ के गया होगा, या जो लाइक फीता रख के नाप के गया होगा, वो लिख देगा उसकी लेंथ कितनी है, 3488 किलोमीटर। मतलब ये बताओ, ये कुछ और पूछ लेते हैं, शी जिनपिंग का पूरा नाम क्या है, उसके नाम में 11 क्यों लिखा जाता है, ठीक है। एक बार शी जिनपिंग इंडिया आया था, तो दूरदर्शन की जो वो थी न्यूज रीडर, उसने उसको 11 जिनपिंग बोल दिया था, तो अगले दिन उसको नौकरी से निकाल दिया, राइट। तो मुझे भी उसी दिन पता लगा था ये 11 नहीं है, शी जिनपिंग, देखो बताना मत किसी को, मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर लिया, राइट। मुझे भी उसी दिन पता लगा था, आज पता चला। उसके बाद ठीक है,
उसके बाद रिजोल्यूशन क्या हुआ, वे आउट क्या हुआ, जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई उसके बीच में रिजोल्यूशन। अब तुम हिंदू को इतना सीरियसली तो पढ़ते नहीं हो, राइट? हिंदू को इतना सीरियसली नहीं पढ़ते, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इसके रिजोल्यूशन कहां पर आते हैं, ये आते हैं आर्टिकल्स में और एडिटोरियल्स में लिखे हुए। इंडिया चाइना के बीच में जो संग्राम चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, जो एंगेजमेंट, युद्ध नहीं सॉरी, जो एंगेजमेंट चल रहा है, जो मनमुटाव चल रहा है, उसका क्या रिजोल्यूशन टाइम टू टाइम निकलता हुआ आ रहा है, तो उस रिजोल्यूशन का एक पॉइंट डाल दिया इन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन। तो इसमें से मैं अगर ईमानदारी से तुम लोगों को बताऊं, करने वाले केवल दो ही क्वेश्चन थे, कहां हुआ था, किस पॉइंट पर हुआ था, और एक लगा लो तीसरा की लेंथ ऑफ एलएसी। जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं, कोई नहीं पूछ के जाता कि एलएसी की लेंथ कितनी है, एलओसी की लेंथ कितनी है। तो दो क्वेश्चन दो हुए, ठीक है, तीन उन्होंने लाइक खेला कर दिया, जैसे ममता बनर्जी ने भाजपा के साथ किया बंगाल में। आगे चलते हैं, दूसरा आया कोरोना वायरस के ऊपर, ठीक है। अब जब कोरोना वायरस से रिलेटेड आया, मतलब समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, तो हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है, किसी को पता है? मनसुख मांडविया। हाँ, मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। तो जनरली जब मैं डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस करता हूँ, तो कोविड से रिलेटेड जब खबरें मैं करता हूँ, तो जनरली मनसुख मांडविया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आती रहती है। तो अगर आप पूरा हिंदू नहीं पढ़ना चाहते तो वो डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस देख लेना। मुझे क्या फायदा होगा मैं ये बता देता हूँ, बस मेरे व्यूज बढ़ेंगे। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर इसकी भी इच्छा नहीं है तो आ जाना और देख जाना, इट्स वेरी ओके, कोई मसला नहीं है, राइट? सीधी बात। तो उसमें क्या होता है, जब हम बार बार इन चीजों को पढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि कई खबरें लगातार चलती हैं, जैसे FCRA चला 3 दिन, लाइक फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इसके बाद ये लाइक इन्होंने वो कर दिया, एक जो बीटिंग रिट्रीट होती है ना, बीटिंग रिट्रीट, अब 26 जनवरी को सेना परेड करने आएगी, राष्ट्रपति जी को सलामी देगी, उसके बाद बीटिंग रिट्रीट का होता है मतलब परेड का वापस जाना, ठीक है। जब वो वापस जाते हैं तो राष्ट्रपति को सलामी देकर ही जाते हैं, कि राष्ट्रपति उनको विदा करते हैं, भैया अब अपनी अपनी जगह पर तुम लौट जाओ, जो सेना है जो परेड करने आई थी, उस सेरेमनी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं। तो ठीक है, उसमें एक 1950 से एक बैंड है जो ट्यून बजाता था, वो फॉरेन थी, कोई क्रिश्चियन, मतलब ये कहा गया उसमें कि ये लाइक क्रिश्चियन सॉन्ग की ट्यून है। तो इस बार ये डिसाइड हुआ कि केवल इंडियन सॉन्ग्स की ट्यून ही बीटिंग रिट्रीट में बजेगी, 3-4 थे। तो इस खबर के ऊपर पिछले 3-4 दिन से हंगामा चल रहा है, और डेली में उसको डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस में कवर कर रहा हूँ। अब DHA ने जो मेरा है, सुनो या तो सुन लेना, मैं काम की बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कहना हो कि सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं तो चलेगा, सर ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस में क्या होता है कि कई बार वो 1.25 घंटे का होता है, जब लेंथी आ जाए, यानी कि सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाए। कई बार वो, जैसे आज सबसे कम था, 15 मिनट का था डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस। अगर हिंदू पढ़ने का मन नहीं है तो बेशक हिंदू बंद मत करना, उससे समरी कर लेना कि रीडिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और रीजनिंग स्किल्स तुम्हारे ठीक हो जाए। लेकिन DHA ने या इस तरह का कोई और मेरे अलावा करवाता हो हिंदू न्यूज एनालिसिस, तुम्हें जहां भी अच्छा लगे, तुम्हारा जहां भी बेटर हो, वहां पर उसको जरूर देख लेना, क्योंकि तुम्हारा हार्डली 30-35-40 एवरेज आ जाएगा 40 मिनट का, लेकिन तुम्हारा डेली न्यूज़पेपर होता रहेगा। उससे क्या होता है, कई बार जैसे कि मनसुख मांडविया पूछ लिया, अब तुम डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस देख रहे हो या कोई ऐसा हिंदू का एनालिसिस किसी और का देख रहे हो, अब सुनते 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 कहीं सबकॉन्शियस में छप जाता है, और ऑप्शन में देख लिया तो तुरंत क्लिक कर जाएगा, राइट? समझ में आई बात? तो एक नंबर बच गया। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कोविड में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, इंडिया ने कितने पैसे दिए, 20 बिलियन दिए थे, उसमें 20, 30, 40, 50, ठीक है, बिल्कुल स्टैटिक है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता लग जाएगा। उसके बाद जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी इंडिया की, उसका नाम क्या था, उस इनिशिएटिव का नाम क्या था, कोई बताएगा? वैक्सीन ठीक है, करंट का था, एब्सोल्यूट करंट का टॉपिक था, कहीं नहीं जाएगा, तीसरा क्वेश्चन ठीक हो गया। उसके बाद कोवैक्सीन किसने डेवलप करी, मतलब इसके पांचों क्वेश्चन डुएबल थे, और पांचों क्वेश्चन के लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं था, डेली का एक बार न्यूज़पेपर देखना था, राइट? ठीक है, मतलब मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे छोटे से प्रयास भी, तुम्हारे छोटे छोटे कदम भी तुम्हें मतलब एक स्कोप दे सकते हैं, एक चांस दे सकते हैं कंपटीशन में खड़े होने का, राइट? बशर्ते तुम कंसिस्टेंट हो। उसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा पैसेज आया UN मूवमेंट फॉर फेथ फॉर राइट, ठीक है, इस पर क्लैट के 98% बच्चे बोल्ड हो गए, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल इसको टफ करने के लिए दिया गया था। इसमें से दो ही डुएबल क्वेश्चन मुझे लगते थे, जैसे ये था कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कब हुई थी, किसी को पता है? UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, 25 अक्टूबर 1945।
10 दिसंबर 1948 संतोष। I'm so sorry sir। अरे नहीं, no need to be sorry bro, at least तू कम से कम बता तो रहा है, तू चाहे, ये सबसे अच्छी बात होती है। देखो मैंने कहीं पढ़ा था और सुना था कि एक विद्यार्थी को, एक भिखारी को और एक संत को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनका विकास रुक जाता है। विद्यार्थी अगर पूछेगा नहीं शर्म में तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, भिखारी मांगेगा नहीं शर्म में तो भूखा मर जाएगा, ठीक है, अगर संत किसी को नहीं बताएगा, ज्ञान नहीं देगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो एटलीस्ट संतोष तू ट्राई तो कर रहा है भाई, एक तरफा अप्रिशिएशन फॉर दिस, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, दूसरा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? क्वाजाई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये वो है जो जिससे थोड़ा बहुत यूडीएचआर पढ़ा हुआ वो कर देगा, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको अगर कुछ इस तरीके का पढ़ रहे हैं, इस लेवल तक आपको पढ़ना है और कहां तक आपको जाना है, ठीक है, ये चीजें नोटिस करते रहना साथ साथ। उसके बाद आया भैया क्लीन गंगा मिशन, तीसरा पैसेज आया, करंट अफेयर बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्लीन गंगा मिशन के ऊपर, ठीक है। यूनेस्को ने वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया था, कब किया था, एनी आइडिया? 22 फरवरी, मार्च 22, किसने बताया? नाज, मेरी तरफ से बेटा टॉफी खा लेना, ठीक है, मार्च 22 में उसने किया यूनेस्को ने। तो ये पूछ लिया कि वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, दूसरा इसकी थीम क्या थी, एब्सोल्युटली करेक्ट, वैल्यूइंग द वाटर, ठीक है। पीएम ने उस दिन क्या लॉन्च किया था, एक मिशन लॉन्च किया था, क्या नाम था उस मिशन का? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, किसने बताया ये जल शक्ति अभियान? मीनाज, मुझे लगा मीनाज है इसका पूरा नाम, ये बार बार मीनाज कह रहे, ठीक है बराज साहब, ठीक है बराज साहब, कोई बात नहीं। और उस दिन एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी, 2019 में बनाई थी, और ये कब पूछ रहे हैं, 2021 में पूछ रहे हैं, 2019, इसको कहते हैं लाइक बदतमीजी करना कि कौन बताएगा कब बनाई थी, जो डिटेल में जिसने देखा होगा, कौन सी थी मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री, और गंगा रिजुविनेशन, पूरा बताओ ना, ठीक है, नीम हकीम खतरा जान, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, राइट। अगला पैसेज आया बांग्लादेश लिबरेशन पर, अगला पैसेज किस पर आया, बांग्लादेश लिबरेशन पर, और बांग्लादेश, हाँ नहीं 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 नहीं, ये तो अभी तो हुआ है ब्रो, जिसके ऊपर लाइक कोलकाता बुक फेयर की थीम होने वाली थी, राइट। तो उसके ऊपर सारा का सारा गांधी पीस प्राइज का सारे के सारे क्वेश्चन गांधी पीस प्राइज, ठीक है। और ये पूछ लिया इसरो को गांधी पीस प्राइज कब मिला था, 2014 में मिला था, तुम पेपर कब दे रहे हो, 2021 में दे रहे हो, राइट। तो ये एक वो प्रयास होता है कि मतलब कोई आउट ऑफ आउट ना ले जाए, समझ रहे हो। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी कि तुम भी नहीं कवर कर पाओगे, करंट अफेयर्स और जीके ऐसा होता है, इट्स लाइक अ सी, तुम कितना भी कवर कर लो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ऐसा तुम्हारे सामने खड़ा हो ही जाएगा कि जो तुमने कवर नहीं किया होगा। लेकिन अगर तुम्हारे सोर्सेज अच्छे हैं, तुम्हारा मटेरियल अच्छा है और तुम्हारी डेडिकेशन अच्छी है, तुम लाइक 92-95% कवर करोगे, राइट, बशर्ते तुम्हें पता हो कि कैसे करना। उसके बाद अगला आया चाबार पोर्ट ईरान, चाबार पोर्ट ईरान में ही है ना, चाबार पोर्ट ईरान में ही है, यस सर, अच्छा, अभी न्यूज में था रिसेंटली, पता है किसी को क्यों था न्यूज में? सर वही वन रोड का शायद चाइना का संग था, उसके रिलेटेड, उसके रिलेटेड तो उससे पहले था, रिसेंटली ये था कि अफगानिस्तान को भारत कुछ 50,000 क्विंटल गेहूं भेजना चाहता था, पाकिस्तान ने ये कहा कि तुम हमारे ट्रक में वागा पे तुम्हारे ट्रक हमारे यहाँ खाली कर देंगे और हम अफगानिस्तान को भेजने के नाम पे रास्ते में उनको गायब कर देंगे, तो इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया अब उसको क्या करेगा, मुंबई से कहाँ भेजेगा, ईरान से बाय रोड अफगानिस्तान, तो चाबार पोर्ट। अब चाबार पोर्ट में इंडिया की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, उनको लेकर क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए। और लास्ट जो पैसेज था वो था रामसर साइट पर, ठीक है, वेटलैंड साइट होती है, तो वेटलैंड साइट डे कब मनाया जाता है, इंडिया में 2 है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 2 है। तो यानी कि एक पैसेज तो एनवायरमेंट से हो गया, एक इंटरनेशनल रिलेशन से, 2 हो गए इंटरनेशनल रिलेशन से, चाबार पोर्ट और बांग्लादेश लिबरेशन, और तीसरा हो गया किससे, क्लीन गंगा मिशन। अच्छा एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जब तक माननीय नरेंद्र मोदी भारत के वो रहेंगे ना प्रधानमंत्री, तब तक बेटा
ये आदमी महीने के इतने करंट अफेयर्स पैदा करता है जिसकी कुछ भी हद नहीं, इसके किसी भी स्कीम का नाम सुन लो लाइक हिंदी में होगी मतलब उसका अंग्रेजी में से निकलेगा, भैया ये नहीं जीने देगा, मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर देश को चाहे कितना भी अच्छा कर दे, लेकिन अब क्या है करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करना है, अब सबसे असली मुद्दा ये आता है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया किस तरह का क्वेश्चन था, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, अब चलते हैं अपनी स्लाइड पर वापस। राइट, अगली स्लाइड आती है कि करंट अफेयर में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, इसको कहते हैं बेटा कैटेगराइजेशन, कि आप कैटेगराइजेशन कर लो सबसे पहले, जिस बच्चे को हिंदू पढ़ने की आदत है डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस देख रहा है अगर वो, या डीएच जो मेरा डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस है, घर पर हिंदू पढ़ता है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, तो एक बहुत मोटा रफ रजिस्टर ले लो, उसमें लिखो पॉलिटी हिस्ट्री साइंस ज्योग्राफी सोशल एंड जनरल टॉपिक्स इकोनॉमी, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल कल्चर स्पोर्ट्स लिटरेचर आर्ट लैंग्वेजेस, जिससे ये सेक्शन बना लो अपने रजिस्टर में, जो खबर आती रहे उसका लिखते रहो पॉइंट वाइज कि आज इसमें ये आई पॉलिटी से रिलेटेड ये अमेंडमेंट आया, हिस्ट्री से रिलेटेड ये खबर थी, साइंस से रिलेटेड ये खबर थी। जब तक तुम्हारा क्लेट आएगा तुम्हारे पास अच्छा खासा खुद का एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा, रिलायबल डेटा ओरिजिनल सोर्स से। राइट, अब इसमें क्या है खबर तुम्हें लाइक ये नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना जो देखते ही छाप देते हैं, ठीक है क्या छाप दिया कुछ भी नहीं पता लगा, लाइट भाग गई तो अंधेरे में भी छाप दिया बिल्कुल, पापा पूछ रहे हैं बेटा लाइट तो भागी कुछ नहीं पापा मैं इतना कंसंट्रेटेड था कि लाइक मैं अंधेरे में भी लिखता चला, ऐसे नहीं छापना, आदत डालो बुलेट पॉइंट्स बनाने की, बुलेट पॉइंट शॉर्ट्स पॉइंट बनाने की, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने की, ताकि तुम्हें भी देखने में बड़े ना लगे और तुम्हें क्या हो। अच्छा एक चीज करना, किसी के भी करंट अफेयर्स का भी कॉपी मत करना, किसी के भी नोट्स किसी लायक नहीं बचोगे, क्योंकि सब अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग अपने हिसाब से होती है। राइट, समझ में आई बात, डॉक्टर का पर्चा मेडिकल स्टोर वाले ही समझ सकता है ना, ठीक है समझ में आई ना, डॉक्टर का पर्चा जो मेडिकल स्टोर, तो तुम्हारे नोट्स भी तुम ही समझ पाओगे, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने बड़े, ताकि पढ़ने में अगर हफ्ते में मन करे चलो रिविजन ले लेता हूँ एक तो। राइट, अगर तुमने कहानियां लिख रखी है उसमें बहुत सारी तो तुम कभी रिविजन नहीं लोगे, अगर तुमने लिख रखा है लाइक ये जुलाई के पहले हफ्ते के या जनवरी के पहले हफ्ते के 3 पेज में बुलेट पॉइंट्स में खत्म हो गए, अच्छी टेक्निक है ना, टाइम भी बचाएगी रिविजन भी करवाएगी, मन भी करेगा रिविजन करने का। राइट, चलते हैं आगे, पेन उठा लो मेरा पेन गिर गया। जी आई एम बैक, अब आगे चलते हैं। हाँ ये देख लो बेटा वो डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है। राइट, देखा है तुम में से कुछ लोग देखते हैं डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस चैनल, चैनल का नाम है, आज वहां से आईडी पासवर्ड लेना था सर इसलिए गई थी देखने। बेटा इसलिए उसमें लगाया था, इसलिए ग्रुप पे नहीं दिया था ताकि यहाँ तक पहुंच जाए बच्चे, ठीक है इसलिए उसमें लगाया था। मैं भी कई बार थोड़ी बहुत छाणी हरकतें कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत समझदारी आ जाती है मुझे भी कई बार, तो ठीक है। द लॉजिकल स्टडीज चैनल का नाम है, जुडिशियल डॉक्ट्राइन की एक सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जुडिशियल रिव्यू डिटेल में करवाया है और आपका प्रोपोर्शनलिटी करवा दी है, उसमें सेवरेबिलिटी डालने वाला हूँ आज या कल, में एक्लिप्स डाल चुका हूँ, देख लेना तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, जो काम का हो वो निकाल लेना और देख लेना 2x या 3x स्पीड करके, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद जो आगे आता है वो आता है चैलेंजेस इन स्टडींग करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को स्टडी करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो रिसोर्स मैनेजमेंट, भैया रिसोर्स के नाम पे पूरा का पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, ठीक है बाढ़ आई हुई है समझ में आई बात, तो रिसोर्स, और उसमें एक समस्या ये है कि तुम 2-3 महीने से एक मैगजीन फॉलो कर रहे हो और तुम कभी अपने दोस्त से तुमने बात करा या मॉक में उसके करंट के तुम्हारे से ज्यादा नंबर आ गए, तुमने अपनी मैगजीन तो छोड़ दी उसकी पढ़नी शुरू कर दी, तो पहले जितने आते थे वो भी गए। राइट, तो ये कभी भी अपने साथ ये मत करना, सबसे पहले तो डिसाइड करो कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। राइट, कितने लोगों को ये समस्या होती है कि लाइक उनको पता नहीं है कि कौन सा रिसोर्स अच्छा है, कहाँ से पढ़ना है, या सब लोग सॉर्टेड है, क्लियर है सब लोग? यस सर, प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है गजान बताओ सर? कोई बोलता है जीको टुडे बेस्ट है, तो कोई विजन आईएएस बेस्टी आईएएस क्विक लेट पोस्ट, सब अलग टॉपिक, तो सर टॉपिक को देख के सारा ही इंपॉर्टेंट लगता है। अच्छा टॉपिक को देख के सारा इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ सर, टॉपिक जितना पढ़ो उतना इम्पोर्टेंट ही लगता है, कोई फर्क नहीं लगता है, सभी के नोट्स बन जाते सर, फिर वो बहुत लेंदी नोट्स हो जाते सर फिर। हाँ तो बस, तो फिर इसी चीज से बचना है ना, इसी चीज से बचना है, देखो कंपेंडियम अलग अलग कंपेंडियम से रेफर करते हैं सब,
नहीं इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, मैं बता दूंगा कि कंपेंडियम बहुत आते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। तो एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, अगर तुम फॉलो करना चाहो तो देखो, एक तो अगर देखना चाहो तो DHNA आप डेली देख सकते हैं, डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस आप डेली देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हिंदू में कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, उससे बच जाओगे, क्योंकि मैं बेहद ही सिलेक्टेड क्लैट के प्रस्पेक्टिव से लेकर आता हूँ। कई बार मैं इसमें एडिटोरियल नहीं लाता हूँ जो तुम्हारे काम के नहीं होते, जबरदस्ती में उनको नहीं लाते, राइट। उसके बाद तुम, अगर तुम्हारी थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स पर तुमने अपना काम कर लिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना तुम्हें आता है, तो यू कैन गो डेफिनेटली फॉर विजन IAS मैगजीन, मंथली मैगजीन, ठीक है। और लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मंथली कंपेंडियम के लिए मत जाना, विजन डेली अपने करंट अफेयर्स अपलोड करता है डेट वाइज, ठीक है, उनको प्रेफर करो, उनको उनके लिए जाओ। अच्छा तुमने एक और वेबसाइट चेक करी है, जीके टुडे, जीके यस सर, टुडे, यहाँ सर करिए। और जीके टुडे के जितने वास्ट करंट अफेयर्स हैं और जितने अच्छे करंट अफेयर्स हैं, इतने किसी के भी नहीं है। अगर तुम GK Today को कवर कर लो ना, तो तुम, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम 95% करंट अफेयर्स को अचीव कर जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फिर तुम्हें विजन की भी जरूरत नहीं है, DHNA पढ़ो और GK Today पढ़ो, राइट, ठीक है, सेलेक्ट कर लेना। और मेरी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा अपने साथ 10-15 मैगजीन लेकर मत चलना प्लीज, नहीं तो ना तो इससे कर पाओगे ना उससे कर पाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि ये तरीका काम करेगा या नहीं करेगा, इसका सबसे अच्छा सैंपल मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक हफ्ता जो मैंने बताया वो करके देखो, और उसके बाद कोई मॉक देकर देखो, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कितने पानी में ये टेक्निक काम करती है या नहीं करती। सीधी बात है ना, क्लैट का क्यों वेट करना, अगले हफ्ते मॉक दे दो, उसके बाद आगे चलते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा हो गया, उसके बाद आता है सर, नोट्स इन दोनों मैनेजमेंट। के अलावा दृष्टि, इसके अलावा कोई कंपेंडियम रेफर करना है, वीकली या मंथली है, ये दोनों बहुत हैं। मोर देन इनफ। अच्छा विजन नहीं करना चाहते तो दृष्टि भी कर लो, लेवल के हैं दोनों, बराबर हैं, ठीक है। इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसका फॉर्मेट अच्छा लगे, जिसमें चित्र वित्र छप रहे हो वो देख लेना, मन करता हो तो, अदरवाइज ठीक है। मतलब ऐसे दिल नहीं करता हो, सुखी सुखी से किताब कुछ देखना हो तो उसमें मतलब डेटा एनालिसिस वगैरह रहता है। चलो उसके बाद आता है नोट मैनेजमेंट, यार ये नोट ही दिखाई देते हैं, मुझे नोट्स होना चाहिए, ठीक है भैया क्या करें, नोट्स चीज ही ऐसी है नोट। चलो नोट्स मैनेजमेंट, अब क्या करोगे नोट्स मैनेजमेंट, जैसे मैंने डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस बना दिया, ठीक है राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने पढ़ा दिया तुमने वो देख लिया और तुम इतने होशियार, डोंट माइंड, मतलब तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प है कि वो तुम्हारे दिमाग में छप गया, राइट। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, जैसे राजनाथ सिंह कह देते हैं ना, मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, बस उस आदमी ये इससे ऊपर नहीं जाता, राजनाथ सिंह जानते हैं ना डिफेंस मिनिस्टर, अगर कुछ हो जाए तो मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, नोट्स मैनेजमेंट, अगर DHNA में कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है तो अपनी नोटबुक में लिख लो कि इसके बारे में मुझे इसका, देखो कोई भी करंट अफेयर और कोई भी टॉपिक 3 स्टेजेस में चलता है, 3 स्टेजेस में। क्या होती है 3 स्टेजेस, ध्यान से सुनना, एक तो वो पास्ट में क्या था और आज तुम उसको पढ़ रहे हो, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये तीनों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोज करो अगर मैं डेटा प्रोटेक्शन बिल की ही बात करूं, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल ठीक है, पार्लियामेंट में बहस चल रही है, पार्लियामेंट पास कर रही है, इससे पहले हमारे पास क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म था डेटा को प्रोटेक्ट करने का, तो पास्ट की बात हो गई, या पहले कौन सा लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तुमने करंट में देख लिया ना कि प्रेजेंट का पूछा, 2 क्वेश्चन प्रेजेंट के पूछे, 3 पास से पूछ लिया, तो कोई भी टॉपिक 3 फेजेस में चलता है। तीसरा, इसके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारी क्या हेल्प करेगा, कि फ्यूचर ऑब्जेक्टिव का तो हमें पता नहीं, जितना प्रेजेंट में पता है वही। जब तुम उसको अपनी नोटबुक में लिखोगे और इससे रिलेटेड कोई खबर आएगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जैसे CDS जनरल बिपिन रावत का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद CFIT के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, CFIT क्या होता है, राइट, आर्मी की ट्राई सर्विस ने इंक्वायरी करके सारा का सारा ब्लेम वेदर कंडीशंस के ऊपर डाल दिया कि पायलट के कंट्रोल में पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट होता है वो होता है। लेकिन जब पायलट को पता लगता है ना कि हम क्या टेरेन में जाने वाले हैं, मतलब पहाड़ से टकराने वाले हैं, धरती से टकराने वाले हैं, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता उस चीज को, तो ट्राई सर्विसेज ने CFIT, लेकिन वहां की तमिलनाडु पुलिस ने मना कर दिया,
बोला नहीं हम सेटिस्फाई नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन से, हम और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जैसे ही तमिलनाडु पुलिस ने कहा कि हम डिटेल में एक्टिवेशन करेंगे, तो इस टॉपिक का, जनरल सीडीएस रावत के टॉपिक का, ये जो ऑब्जेक्टिव फ्यूचर वाला सिनेरियो है, ये एक्टिव हो गया। यानी कि अभी हम वेट करेंगे कि तमिलनाडु पुलिस से क्या निकलती है। तो हर टॉपिक तीन फेजेस में चलता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। और जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता तब तक तुम उसको ट्रेस करते रहोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, बाकी चीजों को ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, राइट। और जब मैंने कहा था एक नोटबुक बना लेना, रफ बुक बना लेना, उसमें सेक्शन डिवाइड कर लेना, तो हर खबर को ऐड करते जाना। वैसे सबसे अच्छा तरीका होता है कि A4 का बंडल लाओ, 100-150 रुपए का आ जाता है, ठीक है, पॉलिटी और ये ऐसे ऐसे एक पेज पर लिखते जाओ, ऐड करते जाओ, लिखते जाओ, ऐड करते जाओ, सबसे अच्छा तरीका ये है। तुम्हारे अपने ओरिजिनल नोट्स होंगे और बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद नोट्स मैनेजमेंट हो गया तुम्हारा। उसके बाद स्क्रूटनाइजेशन, स्क्रूटनाइजेशन हमने ऊपर कर लिया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपने आसपास बहुत सारी चीजें लेकर नहीं बैठनी है, राइट। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, हालांकि मेरा भी एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर करंट अफेयर्स वगैरह आते रहते हैं। देखो मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूंगा, ठीक है, इस पर ये आ रहा है, उस पर वो आ रहा है, इस पर, प्लीज इनकी तरफ ध्यान मत देना। अगर किसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के वाले को फॉलो करते हो तो उसको कर लेना, ठीक है। ये नहीं है आज इस ग्रुप में भी झांक रहे हो, कल उस ग्रुप में भी झांक रहे हो, परसों उस ग्रुप में भी झांक रहे हो, तो भैया इतने सारे करंट अफेयर्स इकट्ठे हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, ये क्या दे रहा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है कभी, क्या पता तुम्हारे पास वो बाद में अपडेट होने वाला हो। राइट एवरीवन, या प्लीज एक्सक्यूज सर, यू आर स्टार्टिंग एनी न्यू बैच सर? आई एम थिंकिंग ऑफ इट लाइक बूस्टर बैच फॉर क्लैट मई 2022। Like you will cover entire subjects or just like legal reasoning? No, legal aptitude only. That's my cup of tea. हालांकि मैं like current affairs भी करवा रहा हूँ अपने founders batch में जो 22 नवंबर से start है already. लेकिन to be very honest, बहुत सारी चीजें हैं, litigation भी है, फिर मेरा खुद का batch भी है, और कुछ books भी मैं CLAT को लेकर लिख रहा हूँ, तो इतना time नहीं मिल पाता, तो like highly packed. तो इसलिए मैंने सोचा कि एक booster batch निकाल देते हैं केवल, जिसमें मैं like 90 डेज की क्लास होगी, पूरा लीगल एप्टीट्यूड मैं कवर करवाऊंगा, मिसलेनियस तक, कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट और रीसेंट लीगल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला, वो मैं कर चुका हूँ ना प्रमोशन, तो लाइक आई एम वेरी, मतलब प्रमोशन करने के मामले में बहुत कमजोर महसूस करता हूँ, तो नहीं हो पाता उतना। तो उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस होगी मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है, प्रैक्टिस होती है मॉक टेस्ट से, राइट एवरीवन। तो मॉक टेस्ट देना ही देना है, जितना तुम्हारे लिए खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, नेटफ्लिक्स जरूरी है, इंस्टा जरूरी है, उतना ही प्रैक्टिस जरूरी है क्लैट के लिए, राइट, ठीक है। हेलो, हाँ राम, हाँ राम सर, एक्चुअली दिसंबर में एग्जाम देना है, तो मंथ कौन से मंथ से जीके के लिए प्रिपेयर करें, दिसंबर वाले? आपको दिसंबर में देना है? हाँ। तो ब्रो मेरा परसों एक स्ट्रेटजी डिस्कशन दिसंबर के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और वो बैच तो ऑलरेडी ओपन है मेरा, फरवरी से स्टार्ट हो रहा है वो, तो परसों तक का वेट कर लो, मैं परसों दिसंबर वालों के लिए लेकर आ रहा हूँ बेसिकली, कि कैसे आपको अपनी जो प्रिपरेशन है टाइम से स्टार्ट कर देनी है, ताकि आप 3-4 रिविजन ले सको एग्जाम से पहले, ठीक है राम। तो अगर आपको जहां से ये लिंक मिला है प्लीज उस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, और आपको डेफिनेटली परसों फिर हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई शक नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको अगर आप पूरा सेशन अटेंड करते हैं, राइट सर। दिस बूस्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर? या बूस्टर फ्रॉम 7th ऑफ फरवरी फॉर लीगल एप्टीट्यूड ओनली। अच्छा, ओके सर, ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या होता है अगला, क्या है हेडिंग, क्या है स्लाइड की, ब्लूप्रिंट फॉर करंट अफेयर्स। तो क्या रोड मैप क्या होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले फाइनलाइज करो अपने सोर्स को, फिर कैटेगराइजेशन करो, जो पीछे बताया आप लोगों को कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं ये वाला, ठीक है, और उसके बाद फाइनलाइज करो सोर्स को, कैटेगराइजेशन करो, टाइम मैनेजमेंट कि डेली करंट अफेयर को कितना समय देना है, राइट। तो रोमांटिक नहीं होना इसके साथ, 3-4 घंटे नहीं दे देने हैं इसको, मैक्सिमम 2 आवर्स। इसमें तुम्हारा जो आज का करोगे वो तो लिखोगे ही लिखोगे, प्लस जो पुराना है उसका एक रिविजन लेना पड़ेगा 15 या 20 मिनट का, ताकि चीजों के कनेक्ट में रहो और ताकि तुम्हारा आगे अंडरस्टैंडिंग बनती रहे। उसके बाद फॉलो द क्रोनोलॉजी, जो इवेंट डेट वाइज चल रहे हैं वो बताया था ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, उस क्रोनोलॉजी को फॉलो करते रहना, कुछ भी नया इंपॉर्टेंट हो तो पिछला एक बार जरूर पढ़ते रहना, तो अपडेट करते रहना, जितने भी अपडेट है ट्रैक करते रहना। यूज इंटरलिंकिंग एंड ब्रिजिंग टेक्निक्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, इसको किस तरीके से करते हैं किसी और सेशन में समझाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, चाहे तुम लीगल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, करंट पढ़ रहे हो, वो कभी भी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड टॉपिक होते हैं। जैसे मैं रेस जुडिकाटा की बात कर रहा था, ठीक है, इसमें हैबियस कॉर्पस भी आ जाएगा। एक्सक्यूज मी फॉर दिस, ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट भी आ जाएगा। तो कोई भी टॉपिक, जब भी ऐसी कोई टॉपिक पढ़ो और उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक तुम्हारे दिमाग में आए तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, तो क्या होता है तुम्हारी फाउंडेशन मजबूत होती चली जाती है। तो ये इंटरलिंकिंग और ब्रिजिंग टेक्निक्स बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन क्या होता है, रीड रिवाइज एंड प्रैक्टिस, RRP, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, अभी तुम्हारे क्वेश्चन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैं बताऊंगा, ये बहुत मुश्किल चीज है। अभी तो लग रहा होगा कि लाइक मैं एक डेढ़ घंटे से बोल रहा है, ये आदमी चुप ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या करेगा, तो लेकिन इतनी बड़ी बड़ी पीपीटी बना लाया है, ये कर रहा है, ये कर लो, कह के सो जाएगा, कॉपी क्या हमें करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से, तुम्हारे लिए भी उसमें टाइम बचेगा। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या है इसकी हेडिंग, एग्जीक्यूशन होता प्लान, प्लान एग्जीक्यूशन कैसे होगा प्लान का। तो सबसे पहले हैबिट डेवलप करो। देखो किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 26 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 22 दिन में भी हो जाती है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और हैबिट, जब कोई चीज अपनी हैबिट में लानी हो ना, तो ये नहीं कि मैं डेली इतना करूंगा, भैया डेली 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, मतलब कहते हैं ना सबको अपना पता होता है, ब्रो मुझे मेरा पता है, ब्रो मैं कर पाएगा कि मैं नहीं कर पाएगा, राइट। तो सबको अपना पता होता है, ठीक है, करो, कंसिस्टेंसी है यहाँ पर। अगर 15 मिनट 10 मिनट डेली करने लगे तो अपने आप आदत में शुमार हो जाएगा, फिर भारी नहीं लगेगी। तो हैबिट तो डेवलप करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, राइट, क्योंकि हैबिट और कंसिस्टेंसी साथ साथ चलती है, क्योंकि जो हैबिट बन जाए उसके लिए फिर कंसिस्टेंसी की परवाह नहीं करनी पड़ती, राइट, वो खुद ही हो जाता है। मतलब किसी को लाइक घर में, मतलब लाइक मम्मी पापा की रोज मतलब खाने की आदत है ना, मतलब समझ लो ना, डांट खाने की आदत है, वो तो रोज ही खाएगा, उसका गुजारा नहीं होगा उसके बिना, ठीक है ना। उसके बाद नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने की आदत। उसके बाद आता है रिवर्स गियर, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहना समझदारी नहीं होती, कई बार पीछे एक बार रुक के पीछे भी देख लेना चाहिए, कभी भी अपना बैकलॉग रिवीजन का इकट्ठा मत होने देना, ठीक है, एक हफ्ते से ज्यादा का बैकलॉग कभी भी इकट्ठे मत होने देना। तो रिवर्स गियर लेना बहुत जरूरी होता है। और एक और चीज है, जब ये सारी चीजें कर रहे होंगे तुम सब लोग और तुम्हारा वो चल रहा होगा साथ साथ मॉक चल रहा होगा, अगर मॉक में कहीं लगता है कि तुम्हारे मार्क्स स्टक हो गए हैं, आगे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली तुम कुछ गलती कर रहे हो। क्या करो, अपने मॉक्स को एनालिसिस करो, सारी की सारी चीजें वहां पर मार्क करो और लिखो, तब आगे बढ़ो। दूसरा, अब तुम्हारे बहुत सारे दोस्त भी होंगे, राइट, होंगे ना, जब चार दोस्त मिल जाते तो क्या होता है, पंचायत होती है, तो इस पंचायत को तुम ठीक कर सकते हो। पंचायत कहां दी हुई, कौन से शेड्यूल में पंचायत, 11th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मई में देना है ना तुम्हें पेपर। और म्युनिसिपैलिटीज कौन से में, 12th में, सिखाया था ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वेरी गुड वेदेही, टेरिटरीज, सैलरीज एंड इन्वॉल्वमेंट्स, ऑथ एंड अफर्मेशन, सीट ऑफ राज्यसभा, शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल एरिया, ठीक है। एफ से क्या होगा, फेडरलिस्ट, यूनियन और स्टेट और कौन, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड लॉस, डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हो गए 12 शेड्यूल। तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो, जो तुम्हारे जैसे है ना, वो नहीं जो पंचायत भाई नेटफ्लिक्स पे ये वेब सीरीज आई, आज तो भोकाल के सारे पार्ट देख लिए, नहीं, ठीक है, उनसे भी बात करो, अवॉइड नहीं करना है किसी को, अच्छी बात नहीं होती अवॉइड करना, 5-10 मिनट करो, लेकिन ऐसे दोस्त ढूंढो जो तुम्हारे साथ टॉपिक डिस्कस कर सके, क्योंकि डिस्कशन से क्या होता है, क्या पता कुछ करंट अफेयर तुमने छोड़ दियो, क्या पता कुछ उसने छोड़ दियो, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, KT कहते हैं इसको, नॉलेज ट्रांसफर होते हैं, बहुत दोस्त होते हैं ऐसे जो आपसे काम की बात करना चाहते हैं, राइट, होते हैं ना, मतलब ही दोस्त भी होते हैं कुछ, कोई नहीं, तुम उनका मतलब पूरा करो, वो तुम्हारा करेंगे, भाई जो पढ़ा है आज डिस्कस कर लेते हैं, राइट। प्रैक्टिस और मॉक, ये इंपॉर्टेंट है। और द प्रोडक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब होता है भैया यूट्यूब का और आपके टेलीग्राम का, आपके व्हाट्सएप का प्रोडक्टिव यूज भी हो सकता है, सच्ची करके देखो कभी, ये जो तुम घंटों घंटों पंचायत करते हो ना ग्रुप्स में बैठकर कि ये है वो है, इसके अलावा भी इसका प्रोडक्टिव यूज हो सकता है, बस तुम्हें करना आना चाहिए, समझ में आई बात।
आगे चलते हैं, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, ये तो थैंक यू हो गया, ये तो थैंक यू हो गया गाइस। ठीक है भैया, मेरा कोटा खत्म हो गया, अब तुम लोगों के कोई क्वेश्चन और आंसर है तो मुझे डेफिनेटली बताओ, मैं डेफिनेटली उनको सुनूंगा। ठीक लगा ये डिस्कशन, टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ तुम लोगों का? कौन कह रहा है, कैन आई आस्क? हाँ जी बताएं, आप कहाँ हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा शिप्रा, शिप्रा इट्स, चल बाद में बताऊंगा। हाँ बताओ बोलो। सर फॉर द सीए, लाइक दिस इज आल्सो हैपेंस नाउ, लाइक इफ डेली वी हैव फोर टॉपिक्स टू कवर, सो दैट सो फॉर द लास्ट डे वी विल हैव 120 प्लस न्यूज, एंड फॉर द क्लैट एग्जाम ओनली 30 टॉपिक, ओनली 30 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। So, if by chance we don't remember all these news, then what should तो इसके लिए होता है स्क्रूटनाइजेशन। तुमने कहा कि डेली फोर, ऐसा नहीं होता अक्सर, कई बार सात भी होते हैं, कई बार आठ भी होते हैं, कई बार दो भी रह जाते हैं, कई बार एक भी रह जाते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें अभी कहा कि इंटरलिंकिंग एंड ब्रिजिंग टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें जब तुम कैटेगराइजेशन करोगे ना, कैटेगराइजेशन करोगे तो चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। कई बार हम क्या करते हैं, करंट अफेयर का हम कैटेगराइजेशन नहीं करते, लाइक इन पॉलिटी भी उसमें, एनवायरमेंट भी उसमें, साइंस एंड टेक भी उसमें, स्पोर्ट्स भी उसमें। तो जब तुम चीजों का कैटेगराइजेशन करते हो तब तुम क्या करते हो, तब फिर तुम चीजों को प्रायोरिटी से लगाते हो उसमें, कौन सी चीज सबसे ज्यादा है। और एक और चीज, जब तुम बार बार उसको अपडेट करोगे क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सी सबसे ज्यादा न्यूज में थी, राइट उसके हिसाब से तुम प्रायोरिटाइजेशन फिक्स कर सकते हो और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको सेलेक्ट कर सकते हो। और एक और चीज है इसके साथ, एक और चीज एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड ये है कि अगर दिन के पांच भी आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, महीने के आखिर तक 30 दिन में 150 हो गए ना, 150 हो गए, अगर तुम्हारी नोट्स मेकिंग बहुत अच्छी है और तुम बुलेट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लिख लेते हो तो तुम्हारे लिए वो बहुत ईजी होगा, राइट ठीक है शिप्रा। और कोई पूछेगा कोई यार, अगर मैं ये बारी बारी सारे पढ़ूंगा तुम वैसे ही पूछ लो ना मुझसे, वैसे ही पूछ लो, अगर मैं ये सारे पढ़ूंगा ना तो फिर मसला। जी 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 कौन पूछ रहा है? मैं मोनालिसा सर। जी मोनालिसा बताएं। सर एक्चुअली मैं जो हूँ दिसंबर में देने वाली हूँ क्लैट, तो अभी मेरा 12th हुआ नहीं है और क्लैट देने के लिए एलिजिबिलिटी कम से कम 12th तक होना चाहिए, तो मैं सोच रही थी मई वाला देने के लिए, पर जब 12th तक है ही नहीं तो क्या मैं दे सकती हूँ? जब मैं 12th दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ 100%। और बहुत सारे बच्चे देते हैं 11th वाले, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो तो पता लग जाएगा कि कैसे देते हैं, राइट? राइट मुझे उसको देने से बेनिफिट होता है, उसको देने से ये बेनिफिट होगा कि तुम्हें एक बार पता लग जाएगा कि दिसंबर में तुझे तुम्हें कैसा एनवायरनमेंट मिलना है, कैसा एनवायरनमेंट मिलने वाला है, क्लैट के एग्जाम में बैठना कैसे होता है, ठीक है, चीजें को कैसे करना है, कैसे टैकल करना है। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर इट्स माय फर्स्ट असाइनमेंट, वो पहले ही नर्वस हो जाते हैं, राइट? तो तुम्हें एक ट्रेलर मिल जाएगा, तुम्हें उसका एक ट्रेलर मिल जाएगा, तुम्हारे लिए ये नहीं होगा कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, ऑलरेडी तुम एक बार अटेम्प्ट कर चुकी हो, ठीक है, राइट? यस सर। और एक और चीज है, इसको तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, इसको तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, अगर दिसंबर में देना है, अब 3-4 महीने मेहनत करके चली गई और एक्चुअल क्लैट को तुम मॉक की तरह लोगी तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कहां गलतियां कर रही हो, तो दिसंबर वाले में तुम वो गलतियां नहीं करोगी। गॉट इट? यस सर। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर किसी ने मैसेज किया है कि अनम्यूट कर दीजिए सर। अनम्यूट कर दूं? पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा किसका माइक कौन है। वो कर रहा हूँ सर मैं। हाँ ऋषभ कर दो। बट डन एवरीवन। सर सर जी जी बताएं। जी जी वैद्य ही बताएं। सर चेष्टा गर्ग का क्वेश्चन ले लो, लाइक वो कब बोल रही है। नहीं चेष्टा गर्ग कह सकती हैं मुझे, कहाँ हो चेष्टा आप? सर वो इधर टाइम आउट करने बोल रहे हैं।
अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ, यहाँ से अनम्यूटेड है, रीजॉइन करने से ठीक होगा। उसने रीजॉइन कर लिया, रीजॉइन कर लिया यहाँ से म्यूट नहीं करके रखो। अच्छा, जिनका ऐसा हो रहा है ना कि वो म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हो पा रहे, तो आपको रीजॉइन करना पड़ेगा। चलिए जब तक चेष्टा पूछते, हाँ चेष्टा बताएं प्लीज। हाउ सर, करंट अफेयर का बैकलॉग कैसे कवर कर सकते हैं? करंट अफेयर का बैकलॉग, कितना बैकलॉग पड़ा है चेष्टा? इस बार देना है मैं 2022 में, सर मई में देना है। और सर मेरा स्टार्टिंग से ही पड़ा है सर, मैंने जनवरी से ही स्टार्ट किया है। अच्छा, कोई नोट्स बनाए हैं? सर एक्चुअली में मैंने जनवरी से ही स्टार्ट किया है ना, तो सर मेरा पहले वाला नहीं है, क्या हुआ? अच्छा, और मई में देना है और जनवरी से तुमने करंट स्टार्ट किया है, राइट? Yes, तो एक काम करो चेष्टा, तुम कोई बढ़िया सा कंपेंडियम देख लो और वो पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है? जितना तुम्हारे काम का हो उतना पढ़ना है, फटाफट वहां से कवर करो। और ये मेरे ख्याल से अगर पर मंथ का मैं एवरेज निकालता हूं तो हार्डली 18 से 20 के बीच में ठीक ठाक न्यूज है जो कवर करने वाली होती है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, अगर तुम करना चाहो डेली 2 घंटे दो तो बड़े आराम से तुम कवर कर सकते हो 1.5 से 2 महीने में पूरा का पूरा अपना बैकलॉग, राइट? और सर दृष्टि आईएएस वगैरह से तो नहीं है सर, जो कोचिंग में कंपेंडियम मिल गया उससे? अगर कोचिंग में तुम्हें अच्छा कंपेंडियम मिल रहा है, सब कुछ कवर करता है, और उस कंपेंडियम को किसी और कंपेंडियम से कॉपी करके ना बनाया गया, याद रखना इस चीज को, उसको किसी और कंपेंडियम से कॉपी करके ना बनाया गया हो तो डेफिनेटली उसको रेफर करना, अदरवाइज गो फॉर द ओरिजिनल सोर्स। विजन देख लेना या दृष्टि देख लेना, जो भी तुम्हें सूट करता हो, और कोई मतलब डेली अगर तुम न्यूज़पेपर करते हो तो ठीक है, अदरवाइज बीएचएन देख सकते हो, तुम कर लोगी, मैनेजेबल है, अभी देर नहीं हुई है, राइट? ठीक है चेस्टर। सर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक था, जैसे आप बोले कंपेंडियम जो कॉपी ना हो, तो आपके अकॉर्डिंग सर कौन सा कंपेंडियम मतलब परफेक्ट रहेगा? नहीं, जहां तक मैं देखता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, हाँ बिल्कुल है, ये जो विजन और आपका दृष्टि है, ये पता है कंपेंडियम कैसे बनाते हैं ये लोग? लाइक आपकी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होगी, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी साइट्स पे अपलोड होने वाले सारे के सारे अपडेट्स, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से आते हैं, राइट? ये बिल्कुल। और दूसरे अगर बना रहे हैं, अगर कोई विजन को कॉपी कर रहा है, वो विजन को भी कॉपी करेगा, विजन के बाद से वो 2 पॉइंट दृष्टि से भी उठा के डाल देगा, वो 2 पॉइंट इधर से उठा के डाल देगा पर्टिकुलर टॉपिक में, क्या करता है एक टॉपिक छाट के उसके 6-7 टैब खोल लिए अपने सिस्टम में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से आते हैं और जितनी आवश्यकता होती है उतने ही पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं उसमें, उसको जानकर लेंदी नहीं किया जाता, ठीक है शशांक? हाँ सर, ठीक है सर। तो विजन आई है, उसको सर हम उठा करके मतलब करेंगे, विजन या दृष्टि जो भी अच्छा लगे, दोनों लेवल के, दोनों बढ़िया है, दोनों R&D के बाद बनते हैं। एपी भारद्वाज क्लेट वालों की बाइबल हुआ करती थी पैटर्न चेंज होने से पहले, ठीक है? एपी भारद्वाज लाइक तुम्हें एनालिटिकल रीजनिंग नहीं सिखाई, वो प्रिंसिपल फैक्ट बता देगी और फैक्ट भी वो लिमिटेड बताएगी क्योंकि वो उतनी एक्सेप्शंस भी कवर नहीं करती है, राइट? जैसे कि लॉ इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, बहुत सारी एक्सेप्शन हैं, आप सारी एक्सेप्शन कवर करते हैं, कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा तो ओरिजिनल सोर्स पढ़ो, अगर पैसेज के क्वेश्चंस डील करने हैं तो गो फॉर द ओरिजिनल सोर्स, राइट? ठीक है, अगर मैं तुम लोगों से, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? हैंड रेज करना, सम्मत बोलना, हैंड रेज करना, क्या माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, एनफोर्स हो सकता है? इज माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल? रेज योर हैंड, आई आस्क देम, इज माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल? क्या माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कोर्ट उसको एनफोर्सिएबल कर सकता है? अच्छा ठीक है, हाँ चेष्टा बताओ। नो सर। ओके वेरी गुड, केशव कृष्णा, केशव कृष्णा, मीमांसा, ओजस्वी, मेरी आवाज आ रही है? नो सर, नहीं बट आई गेस सर इसमें भी एस्केप्शन होगा ही सही। शशांक? नो सर, नहीं कर सकते।
नहीं इन्फोर्सिबल होता है, होता है 100% इन्फोर्सिबल होता है, बताऊं कैसे? नहीं नहीं नॉट नहीं एक्सेप्शन नहीं, 18 इयर्स ऑफ एज आ जाएगा हां 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 सारी चीजें बता दो दोनों सर, दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, जो अनसाउंड माइंड होते हैं और जो माइनर होते हैं, साफ तो नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा गाइस। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया मेजर के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है, अगर माइनर ने अपनी ऑब्लिगेशन पहले पूरी कर दी, अपनी ड्यूटीज पहले पूरी कर दी और मेजर ने नहीं किए अभी, और मेजर बाद में ये क्लेम करता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है, वॉइड होता है, तो कोर्ट एनफोर्स कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में माइनर ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पहले पूरा कर दिया। गॉट इट? यह कर। तो ये आता है टेक्स्ट बुक पढ़ने से। सर एक बार फिर से बता दीजिए। सपोज करो तुम माइनर हो, मैं मेजर हूं, राइट? मैंने और तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में तुमने अपनी ऑब्लिगेशन, अब ये हैंग हो गई, लाइक इसका इंटरनेट गया। सुनाई दे रहा है मोनालिसा? यस सर, अब आया इंटरनेट मेरा, आप बोलिए। हाँ ठीक है, तो माइनर में मेजर, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना चाहिए माइनर के साथ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन क्या हुआ कि तुमने अपनी ऑब्लिगेशन पहले पूरी कर दी, तुमने अपनी ड्यूटीज पहले पूरी कर दी, तो कोर्ट मुझे कहेगा, कह सकता है कोर्ट मुझे कि मैं बाउंड हूं और मेरी जो माइनर के लिए ऑब्लिगेशन है वो मुझे पूरी करनी पड़ेंगे। इसमें क्या हुआ, माइनर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, कोर्ट इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। और अगर इसका उल्टा होता कि माइनर ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की है, मेजर ने की है, तो ये वॉइड हो जाएगा, राइट? तो इसके ऊपर केस लॉज है, विद रेफरेंस बात कर रहा हूं, विदाउट रेफरेंस बात नहीं कर रहा। गॉट इट शशांक? यस सर। वो आर के बांगिया देख लेना, उसमें मिल जाएगा, एस आर महीनी में मिल जाएगा, और कोई भी जजमेंट में मिल जाएगा। हाँ जी, कौन वैद्य शर्मा, प्लीज बताएं। सर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप भी तो बताया था। हाँ वो नहीं, उसको तो इम्यूनिटी मिली हुई है अप्रेंटिसशिप, जब कोई माइनर किसी के पास कुछ काम सीखता है तो वो वैलिड होता है, वो तो एक्सेप्शन में आ जाएगा, ये तो एक कंडीशन थी, राइट? ठीक है ना, गॉट इट सर। वो नेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है ना उसके साथ, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। क्या होता है सर? वो नेसेसिटी वाला होता है ना कॉन्सेप्ट, एक जिसमें वो तो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेसेसिटी सप्लाई टू अ माइनर, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से रिस्टोर करवा सकते हैं अपने आप, जो आपने उसके ऊपर खर्चा किया है, ठीक है? वो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं लाइक 62 से शुरू होते हैं, 68 से शुरू होते हैं क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली। तो ये कंडीशन है कि अगर आपने किसी माइनर को नेसेसिटी सप्लाई की है, पर नेसेसिटी भी वो जो उसकी कंडीशन के लिए सुटेबल हो, यानी कि आप माइनर को चॉकलेट खरीद के दे रहे हैं, नाइकी का जूता दे रहे हैं, वीडियो गेम दे रहे हैं, नहीं भैया, उसको दवाइयां चाहिए, किताबें चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, और वो भी तुम तब रिकवर कर सकते हो जब उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, अदरवाइज वो भी आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर को, अगर मैं किसी माइनर की मदद करूं और कल को मैं कहने लगूं भाई एक किडनी दे दे, अपनी आईफोन लेना है, राइट, मैंने तेरी मदद की थी, तो ये तो नहीं चलेगा ना। गॉट इट गाइस? ठीक है मैं मानसा। यस सर। और कोई क्वेश्चन एनीवन? सर जी मोनालिसा बताएं। सर एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि कोई माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर कुछ मंथ बाद वो उसको मिल जाता है। एक मिनट, दोबारा तुम्हारा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, दोबारा बताओ। सर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट कुछ मंथ बाद जो है वो मेजर हो जाता है, देन आफ्टर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी, क्या माइनर अपना कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई कर सकता है? नहीं, ठीक है, रेटिफिकेशन। अच्छा इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूँ, एक और चीज पूछता हूँ कि लाइक अगर माइनर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट ले लिए, माइनर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट ले लिए, बाद में डिस्कवर होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो वॉइड है, मोरी बीबी धर्मदास कोर्स केस पढ़ा होगा आपने, लैंडमार्क केसेस में मोरी बीबी माइनर कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना? तो क्या कोर्ट कह सकता है माइनर को रिस्टोर करने के लिए वो बेनिफिट्स? यस सर। यस सर। यस सर।
कितने लोग कहते हैं कोर्ट कह सकता है माइनर को बेनिफिट रिस्टोर करने के लिए? कोई कह रहा है कि नहीं कह सकता? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं कह सकता? प्लीज आई एम वेटिंग. अच्छा कह सकता है, ये कहाँ लिखा हुआ है कोई बताएगा मुझे? अगर वो विजिबल है वो बेनिफिट, अगर वो माइनर कंज्यूम कर गया है तो नहीं, अगर वो विजिबल है तो डेफिनेटली वो उसके पोस्ट करना पड़ेगा. तो नथिंग इज एब्सोल्यूट गाइज. आईपीसी को छोड़ के केवल 7 साल से नीचे का बच्चा डोलिन कैपेक्स 82 को छोड़ के बाकी सारी चीजें लगभग लगभग क्वालिफाइड ही चलती हैं. ठीक है गाइज, किसी और कोई क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब स्ट्रेटजी को लेके, प्लानिंग को लेके? और आई होप कि जितना समय मैंने आप लोगों का लिया हो, मैंने वेस्ट ना किया हो, प्रोडक्टिव रहा होगा आपके लिए, राइट? हाँ संतोष बताओ. Yeah, the Hindu क्यों पढ़ना चाहिए, the Indian Express क्यों नहीं? Why so many people refer to the Hindu only? Actually, हाँ, include, देखो, तुमने कहा ना कि including you, इसलिए कि चलो मैं इसका सीधा सा जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल सीधा और सच्चा जवाब दे देता हूँ. कुछ लोग Indian Express भी पढ़ते हैं, एक मैं होती है ना, मैं भेड़ चाल. Yes sir, Indian Express is the best newspaper, I guess. हाँ पांडे जी, मैं डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भेड़चाल होती है ना कि हिंदू चल रहा है तो चलो हिंदू का एनालिसिस निकाल देते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस भी इक्वली बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हिंदू ऐसा नहीं है कि हिंदू खराब है या नहीं, और भी बहुत अच्छे न्यूज पेपर है. बस ये है कि कम्पिटेटिव एग्जाम को फोकस करके इनमें बहुत सारी पॉलिसी. और दूसरा, अगर तुम देखते हो, अगर तुम हिंदू को देखोगे, हिंदू को ध्यान से देखना, हिंदू हिंदू के ओनर कौन है? हु इज द ओनर ऑफ हिंदू? एनराम. ठीक है, आई थिंक ही इज लेफ्टिस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस सर, यस सर. तो सरकार को लेकर और सरकार की पॉलिसीज को लेकर क्रिटिसिज्म भी बहुत रहता है हिंदू में और उसके एडिटोरियल में. ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपको ऑथेंटिक चीजें देखने को मिल जाती हैं. ठीक है, किसी भी लोकतंत्र की ताकत उसका विपक्ष होता है, उसकी सरकार नहीं होती. ठीक है, याद रखना. इसलिए तो कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ऑप्शनल गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है, वो क्या होता है? अपोजिशन होता है, राइट? ठीक है ना बच्चों? चलो तो मेरे ख्याल से 5:30 हमने शुरू किया था सर. जी बताएं, अगर स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ है तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करना चाहूंगा उसको. यस सर, सर लाइक मेरा क्वांटिटेटिव एटीट्यूड सर वो बहुत मेरा खराब है. तो सर अगर मैं वो क्लैट में छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकती हूँ? अगर सर मैंने अभी तक जितने भी मॉक्स दिए उसमें मेरे माइनस नहीं आए. ठीक है, देखो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आदमी को अपनी कमियों का पता होना चाहिए, यानी कि वो सही रास्ते पर है. और दूसरी अच्छी बात होती है कि उसमें दम होना चाहिए बताने का कि मेरे अंदर कमी है, ये भी बहुत अच्छी बात है. तो वैसे मैं आपको शिपरा बता देता हूँ कि क्वांट्स क्या काम करता है. देखो मेजोरिटी 75 तो इधर चला गया, लीगल एप्टीट्यूड में, करंट अफेयर्स में. क्वांट जैसे सब्जेक्ट क्या करते हैं, आपकी रैंकिंग को सुधारते हैं. दे एक्ट लाइक अ बूस्टर इन योर रैंकिंग. ठीक है, पटना से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, उससे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे. अगर तुम्हें लगता है कि क्वांट जो है वो गड़बड़ करा देगा, तो बेहतर है कि क्वांट को जितना समय दे रही हो उसके दूसरे सब्जेक्ट को समय दे दो, राइट? क्योंकि 10-15 क्वेश्चन है. ठीक है, 10-15 क्वेश्चन है. अगर तुम्हें लगता है कि लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, तो उसमें टाइम और सिर खपाने का कोई भी फायदा नहीं है, एनर्जी वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है. अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव करो, कहीं दूसरी जगह लगा दो, उतना टाइम किसी और सब्जेक्ट को दे दो, राइट? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? जी कोई और क्वेश्चन किसी और का? डन है आज के लिए. सर कुछ बात करनी थी. बात करनी थी, क्वेश्चन पूछना था सर. मतलब क्वेश्चन ही था एक तरह से, मतलब वो दूसरे पर्सपेक्टिव से. मतलब जी जी बताएं बताएं सर. जी बताएं, मैं बता दूं सर आपको बाद में. बता दो, तुम्हारी इच्छा है. राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके सर. इवन राइट टू रिमेन साइलेंट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)A. राइट, ठीक है. इंडिविजुअल पे थोड़ी अप्लाई होता क्या? अगर तुम चुप, अगर नहीं, अगर तुम चुप रहना ठान लो कि आई विल रिमेन साइलेंट अंटिल एंड अनलेस तुम पुलिस कस्टडी में ना हो, जहां तुम्हारी बोलने की जिम्मेदारी,
तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अगेंस्ट स्टेट because this is the primary duty and the obligation on the state. किसने दिया इस म्यूट हो गया, चलो 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 ठीक है, अब अनम्यूट हो गया, राइट? चलो तो इस सेशन को वाइंड अप करें यहाँ पर। देखो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। जी वैद्य ही बताएं सर, एक बार और मतलब नए बैच की डिटेल्स बता दो। एक बार और नए बैच की डिटेल्स बता दूं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है सर? वो पेड है या फ्री है? लगभग मुझे लगता है कि 95% वो पेड होगा, लेकिन बहुत रीजनेबल पेड होगा, राइट? ठीक है, तो एक्चुअली कई इन चीजों में कई फायदे होते हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ उस बैच को स्टार्ट करने से पहले। अगर मैं इसको बिल्कुल फ्री कर देता हूँ ना तो कोई मुझे सीरियसली लेगा, ना कोई बैच को सीरियसली लेगा, राइट? और जब ये पेड हो जाएगा लोग मुझे भी सीरियसली लेंगे स्टूडेंट, और बैच को भी सीरियसली लेंगे, ठीक है? प्लीज डोंट माइंड ना इसके ऊपर। ये है भैया डिटेल क्रैश कोर्स द बूस्टर, बैच स्टार्ट हो रहा है लीगल एप्टीट्यूड के लिए, कोर लीगल एप्टीट्यूड के लिए, दैट टू इन वेरी डिटेल, ठीक है? उसके बाद होगा जी कंप्लीट सिलेबस है, 90 डे का कोर्स है, और आप जूम सेशंस होंगे उसमें, आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजिकल स्टडीज, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको दोबारा ये स्ट्रेटजी वगैरह देखनी है, राइट माई डियर लीगल लीवर्स? तो चलो अब इसको समय आ गया कि इसको सेशन को वाइंड अप कर दिया जाए।